का सुगंध। ये जुमला कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। शिमर, सेठ ब्रदर्स परफ्यूमर्स वालों का शिमर। जी वही सेठ ब्रदर्स जो पिछले 75 सालों से इस इंडस्ट्री के कार्यनायक रहे हैं और 3 पीढ़ियों से इस समुदाय की बढ़ोतरी में कार्यान्वित है। बात शुरू होती है 1934 के एक यंग मैन राज की, यानी राज किशोर सेठ जी, जो हिम्मत झालावाड़ की अगरबत्ती के बिजनेस में सहयोगी हुआ करते थे। कई साल वहां काम किया, सीखा, अनुभव लिया और 1946 में गुप्ता एंड कंपनी ने उन्हें उनके मुंबई बिजनेस की देखरेख करने के लिए आमंत्रित किया। राजकिशोर जी की सुगंध संबंधित ज्ञान की समझ को देखते हुए लाल साहब ने उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करने का मशवरा दिया। अब राजकिशोर जी दिल्ली आए और 1949 में उन्होंने सेठ ब्रदर्स की शुरुआत की। उन दिनों राजकिशोर जी के सुपुत्र पदम किशोर सेठ, जो मुंबई में रेडियो ट्रांसमिटर की मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, वे भी पिता को सहयोग देने के लिए दिल्ली आए और उनके आते ही बिजनेस ने तरक्की का रुख लिया। 60 के दशक में कारोबार में प्रवेश हुआ राजकिशोर जी के एक और सुपुत्र श्री नवल किशोर सेठ जी का, जिन्होंने सेठ ब्रदर्स के वाराणसी ऑफिस का जिम्मा संभाला। पर पिता के गिरते स्वास्थ्य के कारण नवल किशोर जी वापस दिल्ली आए और अब वाराणसी की बागडोर संभाली राजकिशोर जी के सबसे छोटे पुत्र रघुवंश किशोर सेठ जी ने। सन 70 की शुरुआत में सेठ ब्रदर्स की तीसरी पीढ़ी के पहले सदस्य पदम किशोर जी के सुपुत्र विनोद सेठ ने कारोबार में कदम रखा और 1976 में नारायणा स्थित इनकी फैक्ट्री की स्थापना की गई। मैं आपके सभी को धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारे को सहयोग दिया और कंपनी के हम 75वें साल के मनाने में कामयाब हो रहे हैं। हमारा शुरू में बिजनेस जो श्री राजकिशोर सेठ जी ने करा था, वो हमारे बम्बई के सहयोगी उनके दोस्त परम दोस्त पटेल साहब ने शुरू करवाया था और मैं अब इस जनरेशन का तीसरी पीढ़ी का आदमी हूँ जो इस काम को बढ़ा रहा हूँ। मैंने यूरोप में 6 महीने काम करने के बाद अपनी इस बिजनेस को और बढ़ाने में सहयोग दिया। आज हम अपने ये 75 साल बना रहे हैं, उसके पीछे हमारी 2 मेहनतों का बहुत काम है। एक तो हमारी क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा हमारा सरकार के पॉलिसीज के साथ सहयोग करना। आशा कर रहा हूँ कि जो मैं अपना काम कर रहा हूँ वो अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए उनको मौका दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो और आगे अच्छा जाके करेंगे और कंपनी को 100 साल तक चलाने में कामयाब रहेंगे। 80 के दशक की शुरुआत में सेठ ब्रदर्स ने एक और स्तंभ खड़ा किया, सेठ ब्रदर्स का मुंबई ऑफिस। इस समय नवल किशोर जी और रघुवंश किशोर जी देश के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहे थे और काम में पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। सेठ ब्रदर्स सिर्फ मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं, फ्रेटर्निटी के कंट्रीब्यूटर भी बनना चाहते थे। इसी कारण से पदम किशोर जी ने पफई, जो कि अब फफई के नाम से जाना जाता है, उसका अहम हिस्सा बने और 1986 में बतौर प्रेसिडेंट चुने गए। इसी साल सेठ ब्रदर्स अब सेठ ब्रदर्स परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनी और परिवार के अन्य सदस्य भी इसका हिस्सा बनने लगे। 90 के दशक में कोलकाता ऑफिस की शुरुआत की गई और साथ ही तीसरी पीढ़ी के नए बच्चे यानी रोहित सेठ, लव सेठ, कुश सेठ ने बिजनेस को बढ़ाया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे शिमर सुगंधियाँ, जो सेठ ब्रदर्स का एक ब्रांड है जो हमारे दादाजी ने शुरू किया था, उसको पूरे इंडिया में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैलाने का सौभाग्य मिला और आप सबके प्यार मोहब्बत की वजह से, सबके आशीर्वाद की वजह से हम ये 75वें वर्ष में कदम रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं इसी जश्न के साथ 100 साल भी हम ऐसे ही पूरे करेंगे। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच।
मैं लव सेट सेट ब्रदर्स परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड की तीसरी पीढ़ी का सदस्य हूँ। मुझे अपने ब्रांड श्रीमद सुगंधियों को अपने पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत में आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों के आशीर्वाद से हम 75वें वर्ष में कदम रख रहे हैं। इसी तरह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आशीर्वाद और सहयोग हमेशा प्राप्त होता है। धन्यवाद। नई पीढ़ी ने इनोवेशन वाइल मेंटेनिंग द ट्रेडिशंस एंड क्वालिटी के मंत्र को अपनाया और 2001 में विनोद सेठ फफई के प्रेसिडेंट बने और 2013 में रोहित सेठ ने ये पद संभाला। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है क्योंकि पूरी फ्रेटर्निटी में सिर्फ सेठ ब्रदर्स ही ऐसा बिजनेस हाउस है जहां एक नहीं दो नहीं पूरे तीन सदस्यों ने फफई के प्रेसिडेंटशिप का कार्यभार संभाला है। 2016 में सेठ ब्रदर्स की प्रोडक्शन यूनिट में GCMS को ऐड किया गया जिससे साइंस और आर्ट के एक बेहतरीन ब्लेंड को तैयार किया गया। आई एम कुश सेठ, मैं अपनी जनरेशन में सबसे छोटा हूँ और यहाँ पे लास्ट 18 ईयर से मैं प्रोडक्शन में हूँ। अपने बड़ों से हमने ये सीखा है कि क्वालिटी मैनेज करनी है, वही एक तरीका होता है आपको सर्वाइव करने का, क्योंकि हम सब अपने 75th ईयर्स में इस कंपनी को लेके जा रहे हैं, जो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। और जो हमारे पूर्वजों ने हमको ये सिखाया कि अगर क्वालिटी मैनेज होगी तो हम मार्केट में किसी भी कंडीशन पर सर्वाइव करेंगे। और उसके लिए हमने अपने अन्य नए जितने भी नॉर्म्स होते हैं, लाइक हमारे पास ISO सर्टिफाइड है, हम उनको फॉलो करते हैं, GCMS मशीन्स लगा रखी हैं, उन पर टेस्ट करते हैं और जितना पॉसिबल हो अपने तरफ से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करा के देते हैं अपने कस्टमर्स को। शिमर इंडस्ट्रियल फ्रेग्रेंसेस के ब्रांड नेम के अंतर्गत मार्केट की जाने वाली परफ्यूम्स केवल धूप, अगरबत्ती, डिटर्जेंट, सोप, कैंडल्स, फ्रेशनर्स, रोल ऑन, कॉस्मेटिक्स, अरोमाथेरेपी, फेंगशुई आदि में ही नहीं, आज की बढ़ती हुई मार्केट में हर प्रकार के परफ्यूम प्रोडक्ट्स में अप्लाई की जा रही है। इनका ब्रांड नेम है शिमर, एक जलती मशाल, ग्लिमर विद स्पार्कल्स, जो सालों से अपनी चमक लिए जलती आ रही है, नई दिशाओं में अग्रसर और यही सिलसिला रहा। इसको आगे बढ़ाते हुए उनकी जो सोच है, आप सभी का सहयोग रहा तो ये मशाल यूं ही जगमगाती जाएगी और आने वाले समय में हमारी ये इंडस्ट्री घर घर में अपना नाम पाएगी।